हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मटर पनीर की सब्जी, जो घर में बनी है बहुत ही इजी प्रोसेस में और कम मसालों में। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मैंने कढ़ाई में ज़रा सा तेल डाल दिया है और इसमें मैं पनीर डाल दूँगी। हमें फ्राई करना है पनीर को। आँच को एकदम धीमी रखिएगा, नहीं तो फिर पनीर फिर जल सकता है। हमारा पनीर फ्राई हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मैंने गर्म पानी लिया है, हल्का गर्म पानी है, इसमें नमक डाल के ये पनीर हम डाल देंगे ताकि पनीर सॉफ्ट हो जाए। देखिए, एक प्याज लिया है ग्रेवी के लिए, बड़ा प्याज है, हमने इसे रफली चॉप कर लिया है। और मैं दो हरी मिर्च डाल रही हूँ और अदरक डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे और डाल करके इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। एक वही कढ़ाई में है जिसमें हमें पनीर भूनना था, उसमें हम तेल डाल दिए। ये देखिए, मैंने एक तेज़पत्ता और थोड़ा हल्दी डाल दिया है, और जो हमने मसाला पेस्ट जो बनाया था मसाला का, उसे हमें डाल करके भूनना है। अभी इन्हें अच्छी तरह से भूनना है, आँच को धीमी करके आप भूनिएगा। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो फिर मसाला हमारा यदि चिपक जाएगा तो फिर मसाला का स्वाद खराब हो जाएगा। हमें भूनना है इसे, जो थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसमें जो मसाला था उसे हम इसमें डाल दिए हैं। एक बड़ा टमाटर हम लेंगे और बड़ा टमाटर को हम रफली चॉप कर दिया है, करके एक पेस्ट बना लेंगे हम इस टमाटर का। ये देखिए, मगज बीज है, इसमें हम आधा घंटा पानी डाल करके छोड़ देंगे भीजने के लिए। भिजा के छोड़ देंगे, ये हमारा आधा घंटा बाद देखिए भीज गया है। इसके बाद अब हम मिक्सर में डाल देंगे, इसका पानी फेंक करके इसका पेस्ट बनाएंगे। और हम इसमें 5 से 6 काजू के भी टुकड़े लेंगे और हम इसे एक संगे पीस लेंगे मगज बीज के साथ। और देखिए, हमारा मसाला अब थोड़ा थोड़ा भून चुका है, और जो हमने मसाला जो टमाटर का पेस्ट बनाया था अब हम उसमें डाल देंगे, क्योंकि हमारा मसाला अब एक संगे भून जाएगा टमाटर के साथ। डालने के बाद हम इसको दोनों को भी हम अच्छी तरह से थोड़ा आँच तेज करके भून लेंगे, और इसके बाद हम आँच को थोड़ा धीमी कर देंगे। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है, टमाटर का जो मसाला डाले थे वो भी भून गया है। अब हम भूनने के बाद इसमें अब हम थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमें नमक डाला नहीं था। अब हम अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे नमक डालने के बाद। अब जो हमने पेस्ट बनाया था मगज और काजू का, वो हम डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और ध्यान रखिएगा, फ्लेम को आप बिल्कुल धीमी रखिएगा, नहीं तो मसाला जल जाएगा हमारा। देखिए, हमारा मसाला भून चुका है, हम थोड़ा सा और पानी डाल के हल्का हल्का भून लिए हैं। देखिए, हमारा मसाला में एकदम भी चिपक नहीं रहा है, मतलब हमारा मसाला भी एकदम रेडी है, ऑयल छोड़ने लग गया हमारा मसाला। मैंने थोड़ा सा मटर उबाल के रखा था, आप चाहे तो डाल लीजिए मटर इसमें, क्योंकि मटर पनीर बना रहे हैं और आपके घर में यदि ज़्यादा मटर खाते हो तो ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने थोड़ा डाला है, थोड़ा कुटुटी में मटर डाला है। मैंने उबाल के मटर डाल दिया है और मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। ये बॉइल्ड है इसीलिए हमें इतना मतलब बॉयल नहीं करना होगा मटर को। मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनाना है, हमको भुनना है मसाला को। देखिए, हमें हल्का सा चाहिए तो पानी डाल के भून सकते हैं ज़रा सा। हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है, बस हम इसमें पनीर डालेंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि पनीर अच्छी तरह से मिल जाए मसाला में। लेकिन भुनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सेंट बहुत अच्छा आता है सब्जी में। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा नींबू का रस डालेंगे, डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी करना है इसका। आप
आपको जितना ज़रूरत हो पानी डाल करने के बाद अब इसे हम थोड़ा बॉइल्ड करेंगे। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से बॉइल्ड होने लग गई है। 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से ग्रेवी को बॉइल्ड करेंगे ताकि जो ग्रेवी है पनीर के अंदर चला जाए। और देखिए बॉइल्ड हो गया है, 2-3 मिनट के बाद हम इसमें शुद्ध घी डालेंगे। मैंने 2 चम्मच शुद्ध घी डाला है और हम इसमें ज़रा सा चीनी डालेंगे टेस्ट के लिए, ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। हल्का सा मीठा ज़रूरी है और हम हल्का सा इसमें गरम मसाला डालेंगे तो हमारी पनीर की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए पनीर की सब्ज़ी को सर्व कर देते हैं। कितनी अच्छी बनी है ना, कम मसाले की। तो फ्रेंड्स यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो फ्रेंड्स आज मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी नई और इजी रेसिपी के संग। तब तक के लिए बाय बाय।